भाई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों से बदतमीजी के शब्द, अपमानजनक शब्द गांधी परिवार को कहा जाता है। आज केवल राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी का शार शहंशाह, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, दोनों डरे हैं समय में। वो जानते हैं कि आने वाला देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। कैसी बेशर्मी की बात है, ये लोकतंत्र है या ये हिटलर शाही है? राहुल गांधी चुने हुए विपक्ष के नेता, उनकी जबान काट करके 11 लाख रुपए दे देंगे, उनकी जबान को जला दिया जाए, वो भारत का नंबर एक आतंकवादी और देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलता। डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का शार शहंशाह। आप जितना राहुल गांधी को गालियां देंगे, देश की जनता राहुल गांधी को वही प्यार का, जो कहते हैं मैं नफरत के बाजार में प्यार का शोरूम खोलना चाहता हूं, पूरा देश आज प्यार के सागर में डूबना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले हरियाणा के कश्मीर के चुनाव को देखते हुए वो वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहता है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, हरियाणा भी बीजेपी हार रही है, कश्मीर भी बीजेपी हार रही है। हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी की तरफ कोई आंख भी उठा के देखेगा, लाखों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता उसकी आंख निकाल लेंगे, लेकिन राहुल गांधी पर आंच नहीं आने देंगे। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसी के स्वरूप कि राहुल जी के जिन लोगों ने आपत्तिजनक शब्द किए उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए, इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ धरने पर बैठे। 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, उसके लिए क्या? राजस्थान के 7 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले अक्टूबर के महीने में। मैं दावा कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे उपचुनाव के लिए, और 7 सीटें कांग्रेस जीत कर गएगी। ये पर्चे की सरकार भी चल नहीं पा रही है। इनके मंत्री जिस विभाग के, वो अपने विभाग के बारे में बोलते नहीं है और उलझुल हरकतें करते हैं। तो ये राजस्थान की जनता भी देख चुकी है, और अब राजस्थान में भी पर्चे सरकार के जाने के दिन आ गए।